तो सभी को जय सिया राम दोस्तों। आज है 20 सितंबर और आज मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया फिर से। ऑल टाइम हाई पे क्या क्लोज भी दिया है निफ्टी ने भी और बैंक निफ्टी में दोनों सेंसेक्स सब ने ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग दिया दोस्तों। आज अपना भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। आज टोटल आज अपने को 15,000 का प्रॉफिट हुआ है। आज मार्केट अच्छी थी तो मज़ा आ गया स्कैल्प मारने में भी, और आज लगभग तो सबका ही प्रॉफिट हुआ होगा जिन्होंने बाद में 12-1 बजे तक प्रॉफिट किया होगा। बाद में थोड़ी वोलेटाइल हो गई थी मार्केट, एक बार नीचे आई फिर ऊपर गई, बाद में तो फिर अपन ने कोई स्कैल्प नहीं किया था, शुरू शुरू में लेके बंद कर दिया था सिस्टम। तो दोस्तों आज और एक दूसरी बात, बैंक निफ्टी में भी एक आज अलग ही समस्या थी दोस्तों। आपने नोटिस किया होगा तो बैंक निफ्टी तो बढ़ रही थी लास्ट में देखा होगा तो, लेकिन उसके ना तो ऑप्शन का कॉल ज़्यादा बढ़ रहे थे, उल्टा डिस्काउंट पे ही थे दोस्तों। और फ्यूचर भी बैंक निफ्टी का डिस्काउंट पे था, एक टाइम पे तो 400-500 पॉइंट नीचे था फ्यूचर, बैंक निफ्टी ऊपर थी 400-500 फ्यूचर नीचे था। और ऐसे ही कॉल के प्रीमियम बैंक निफ्टी 54,000 पे थी और लेकिन 53,000 का कॉल का रेट 700 रुपये था, मतलब 300 रुपये वो भी डिस्काउंट पे ही था। चलो वो तो दिखाता हूँ आपको लैपटॉप पे, अभी भी क्या चल रहा है क्या नहीं मालूम नहीं है, तो पहली बार ही देखा मैंने भी, चलो दिखाता हूँ लैपटॉप पे। दोस्तों ये आ गए अपने स्क्रीन पे, तो आज का दिखाता हूँ ये अपना 25,500 की कॉल में एक ट्रेड लिया, इसमें 5100 के जैसा प्रॉफिट हुआ, फिर 25,600 की कॉल में किया, इसमें 74 को जैसा प्रॉफिट हुआ, एक बैंक निफ्टी में ट्रेड किया, तो टोटल अपने को आज टोटल 15,000 प्लस का ही प्रॉफिट हो गया दोस्तों आज। और चलो इसको निफ्टी के चार्ट पे दिखाता हूँ किधर क्या ट्रेड अपन ने लिया था। ऐसे तो आज मार्केट पूरा ही ट्रेंडिंग था, फिर भी दिखा देता हूँ आपको, आपको भी लॉजिक समझ आए। तो ये पहला स्कैल्प तो मैंने जैसे ही ये ओपनिंग कैंडल थी पहले 5 मिनट वाली, इसके पास में आके ये आई, ये कैंडल ग्रीन वाली क्लोज किया, उसके बाद में मैंने एंट्री बना ली, फिर एक अच्छी कैंडल मिल गई तो अपना काम हो गया। उसके बाद में फिर दूसरा स्कैल्प मैंने अपने ये कैंडल ग्रीन थी उसके बाद में छोटी सी कैंडल बनी थी ना, इसी में मैंने एंट्री कर ली थी, उसके आगे की कैंडल एक अच्छी मस्त वाली बन गई तो अपना उससे भी ज्यादा प्रॉफिट हो गया दोस्तों। उसके बाद में फिर निफ्टी में मैंने कोई नहीं किया ट्रेड, फिर एक बैंक निफ्टी में किया था, उसका दिखा देता हूँ। उसका छोटा हा स्कैल्प मारा था, ज्यादा रिस्क नहीं लिया था मैं, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था तो भी एक मार दिया था। इसमें अपने ये लाइन ये क्रॉस हुआ तो ये अपन ने ट्रेड कर लिया था, जैसे ये इसने ब्रेकआउट इधर का दिया, एक मिनट दिखाता हूँ आपको, ये देखो जैसे इसने ये क्रॉस किया तो इसी कैंडल पे अपन ने एंट्री कर दिया था, ये ग्रीन पहली ग्रीन कैंडल, दूसरी में भी ग्रीन बन गई तो अपने को प्रॉफिट मिल गया। फिर बाद में अपन ने कोई भी इसमें कोई न तो बैंक निफ्टी में न निफ्टी में देखा भी नहीं, स्कैल्प भी नहीं किया, बाद में तो अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद कोई टेंशन नहीं। और दूसरा उसका मैं बताता हूँ दोस्तों क्या कुछ हुआ था, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है एक साइड में और एक साइड में है बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट दोस्तों। ये मैंने साइड में अलग से खोल के रखी थी विंडो, इसमें आपको दिखाता हूँ आज क्या हुआ। ये देखो दोस्तों अपना बैंक निफ्टी का आज हाई कितना लगा, 54,066, ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट। और ये बैंक निफ्टी के फ्यूचर ने हाई कितना लगा, 53,643, तो कितने का डिस्काउंट हो गया, 423 रुपये का, तो 423 रुपये डिस्काउंट में था दोस्तों आज फ्यूचर, जबकि फ्यूचर होना चाहिए ज्यादा बैंक निफ्टी से इंडेक्स से, तो भी ये डिस्काउंट में था। जब मार्केट ज्यादा गिरती तो डिस्काउंट में होता दोस्तों, लेकिन आज तो मार्केट भी अच्छी चली तो भी डिस्काउंट में क्यों है मालूम नहीं दोस्तों। एक और बाद में इसने और इसके ये फ्यूचर नहीं दोस्तों, इसके कॉल ऑप्शन भी ऐसे डिस्काउंट पे थे दोस्तों, कॉल ऑप्शन का आपको दिखाता हूँ, एक मिनट ये दिखाता हूँ आपको, ये देखो दोस्तों इसका क्या है कि कॉल साइड का देखो आपको, ये 53,000 की कॉल देखो दोस्तों कितने में है, 683 रुपये में, 683 में, जबकि बैंक निफ्टी का क्लोजिंग कितना है अपना 53,793 रुपये, तो कितना डिस्काउंट हो गया, 100 रुपये, 110 रुपये का मतलब सस्ती मिल रही है, और जबकि होनी चाहिए इसका इन द मनी है कॉल
तो ज्यादा ही होनी चाहिए दोस्तों, कम से कम रेट से तो ज्यादा होनी चाहिए इससे। और एक टाइम तो दोस्तों ये 54,000 पे था इंडेक्स में देखा था, लेकिन कॉल 700 के आजू बाजू ही थी तो भी इतना फर्क आ रहा दोस्तों। ये देखो आज क्या हुआ क्या नहीं, ये मेरी भी समझ के बाहर है दोस्तों, ऐसा क्या होता है। और इसका फ्यूचर का देखो दोस्तों, फ्यूचर अपना इसका फ्यूचर भी अभी क्लोजिंग के रेट के हिसाब से देखोगे ना तो भी मतलब इसका रेट देखो दोस्तों, अपना बैंक निफ्टी के फ्यूचर का, बैंक निफ्टी का फ्यूचर का और इसका इंडेक्स का फ्यूचर के रेट में भी अभी 200 रुपये का फर्क है दोस्तों। इंडेक्स 200 रुपये ऊपर है जबकि फ्यूचर 200 रुपये नीचे है। ऐसा तो गिरी मतलब जब बियरिश मार्केट होती है तो हो सकता है दोस्तों, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में भी इतना हो रहा है तो ये समझ नहीं आ रहा दोस्तों। ये तो मैंने पहली बार ही देखा है, आपको कोई मालूम हो तो देखो, ऐसा भी होता है मार्केट में, मतलब किसी ने फ्यूचर लिया होगा वो तो देखता रहा मार्केट। ये तो मार्केट, ये तो बैंक निफ्टी 54,000 रुपये चली गई थी तो भी ये इसके आजू बाजू में ही था, ये तो क्लोजिंग के टाइम पे नीचे आ गई तो इतना दिखा रहा, नहीं तो 54,000 रुपये थी ना तो भी बैंक निफ्टी का फ्यूचर इतना ही था, बस इसके थोड़ा मोटा ज्यादा। तो चलो ठीक है दोस्तों, ये दिखा रहा था क्या है क्या नहीं, बाकी मंडे को देखेंगे।